एडवोकेट हजरत अली बड़े खान, मेरे खिलाफ एक महिला शाहीन मुल्ला बोल के जाए, उन्होंने एक अपने चैनल के माध्यम से एक बाइट दी थी। वो बाइट के किस्से मैं आपको उसका खुलासा देना चाहता हूँ। वो शाहीन मुल्ला जो है मेरे क्लाइंट है ना, मेरे पहचान के, उसके पहचान के लोगों से मेरे पास आई थी। वो आने के बाद मुझे बोली कि मेरा बच्चा गुलबर्गा वाले ने लिए है, जुनेदी शेख बोल के है, उन्होंने मेरे पास से लिए छीन के, तो मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे बच्चा दिला के दो। मैं बोला रमज़ान चालू है अभी, रमज़ान के बाद तो आ जा, देखेंगे बोला। मैं ट्रेन आते वक्त डॉक्यूमेंट ले गया, तो बोली कि डॉक्यूमेंट मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी तो रमज़ान के बाद आ बोला। तो रमज़ान के बाद आने के बाद मैं उसे तहकीकत किया था उसके पहले, तो ये शाहीन मुल्ला जो है ना, पहले ऐसे 3-4 केसेस कर ले, 3 लड़के को ऐसे भेज दिए हो। अभी जो बीच में थे सायरा मुल्ला, वो इब्राहिम मुल्ला, सरदार मुल्ला का जो नाम ले रही, तो इनको ब्लैकमेल करने के लिए ये पुलिस में कंप्लेंट की है। सरासर ये उसका एलिगेशन सब झूठ है। ये खुद ही जाकर गुलबर्गा में नोटरी करके वो जो एडॉप्शन किए दत्तक दी ले वो। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, तू ऐसा कर ले, तेरा अभी तेरा काम होता नहीं, तू लिख कर दी ले, तेरा कोई चलता नहीं। अगर तुझे करना है दूसरे वकील पास जा और कोर्ट में जा, तू समझ पाएगा ये मैं तो तेरा काम नहीं करता, ये काम गलत दिख रहा मुझे। ऐसा बोलने के बाद वो जाके कोई तो सिखाए, उसे सिखाने के बाद जाके पुलिस कंप्लेंट उनके खिलाफ दी और मेरे खिलाफ बाइट दी बोल के मैं आपको ये मेरी बाइट खुलासा बोल के दे रहा हूँ। यानी कि उस महिला का किसी प्रकार के केस आपके हाथों में नहीं है? मैं उसका बिल्कुल नहीं, उसका ये कागज मेरे पास नहीं है, उसके वकील पत्र सही नहीं है, उसकी फीस नहीं दिया मैं और उसे मैं पहचानता भी नहीं। इसलिए मैं क्या कर रहा, ये लड़की गलत है ये सोचकर मुझे मालूम पड़ा पूरा उसकी तहकीकत करने के बाद, इस केस मैं वापस करा और उसे मैं यहाँ से भेज दिया उसे। जबकि उस महिला का ये कहना है कि आपका भी उसके अंदर हाथ है, तो उसी ने जो बाइट दिया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा बच्चा वो दिलाने वाले हैं, ऐसा बोले थे। बच्चा कब दिलाते, लीगली हो, कोई उसका बच्चा भगा कर लेकर गए, उसका शव लेकर गया, कोई किडनैप करा, तो पुलिस में कंप्लेंट देंगे, कोर्ट में जाएंगे, उसे इंसाफ दिलाएंगे। मगर खुद ही जाके वहाँ नोटरी करी उनके बच्चे की तालीम दी ले, अभी ब्लैकमेल करने के लिए वो सायरा मुल्ला, इब्राहिम मुल्ला के खिलाफ केस करी ले कुछ पैसे काटने के लिए। ये सब सरासर झूठ है, ये जो बोली ना पूरे बिल्कुल झूठ है। 6 महीने वहाँ, 6 महीने से क्या की ये महिला, 6 महीने तक चुप बैठी। यानी कि इस महिला का हो या महिला के सामने वालों का हो, इन दोनों का किसी भी प्रकार का केस आपके हाथों में नहीं? मेरे पास नहीं, कुछ भी नहीं का। एक हमदर्दी बोल के, एक कौम के बोल के मैं उनका केस देखना चाह रहा था, मगर ये महिला गलत रहने से मैं उसे वापस भेज दिया, उसका केस नहीं लिया मैंने। आजादी बचाओ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।